बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक मैं वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मक्का से इनको गिरफ्तार किया गया है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ तमाम परदेसी भाइयों के लिए है जो रोजी रोटी की तलाश में परदेश में बैठे हुए, जैसा कि मैं भी हूँ। यार, आपको मैं छोटी सी बात बता दूँ, यकीनन आपको इस बात से भी फ़ायदा मिलेगा। मैं एक दफ़ा उमरे पर था जी, और जुहर की नमाज का टाइम था, और मैं तकरीबन दूसरी सफ में ही था तकरीबन, और मेरे साथ पाकिस्तानी थे, 45 या 50 साल के करीब उनकी उम्र थी, और वो मुझे बोल रहे थे कि ये आज से 5 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। मैं जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, उस टाइम मैं भी हजरत अस्वद के बोसे लेता था और खाना का बगैर दरवाजे के साथ बासानी लग जाते थे। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं बासानी लग जाता हूँ, हजरत अस्वद का बोसा भी आसानी ले लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, यकीन कीजिए। और अच्छा, बहरहाल वो बोल रहे जी कि उस टाइम मैंने एक वाक़या देखा था, खातून थी, वो खाने का बाकी जो दरवाजे की दहलीज नहीं होती है, मेरे हाथ तो दहलीज को लग जाता था और भी बहुत से भाइयों को लग जाता है, लेकिन जिनके कद थोड़े छोटे होते हैं या खवातीन का आपको पता है एक कद छोटा होता है, उनका हाथ दहलीज तक नहीं पहुंचता है, खाना का बाकी दरवाजे की जो नीचे वाला हिस्सा होता है। अच्छा, बात करने का मकसद ये है जी कि वो एक पाकिस्तानी था जी, उसने उस खातून को उठाया और उनका हाथ खाना का बाकी दहलीज को लगवा दिया। इस चीज़ की बिना पर शूटों ने उस पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया और उसे ले गए। ये बात आपको क्यों बता रहा था, ये वीडियो क्लिप देख ले, मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। तमाम परदेसियों भाइयों के लिए मेरी वीडियो है। मैं नहीं बोलता जी इसमें कौन गलत है कौन सही है, आप खुद ही फैसला कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले ये भाई साहब जो गिरफ्तार हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर इनकी वीडियो शायद चलानी दिखानी शुरू कर चुका हूँ। मैं आप इनकी वीडियो देख लें पहले, तो ये तकरीबन उमरा करने के बाद और सफ़ा मरवा कर रहे हैं, और सफ़ा मरवा के दौरान अक्सर ऐसे होता है हाजियों के टोले आते हैं और एक आगे एक नुमाइंदा होता है उनका, वो ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा होता है और पीछे जितने भी हजाज होते हैं वो सब उसके पीछे लबैक कह रहे होते हैं, जैसे वो पढ़ रहा है वैसे ही पढ़ रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा टोलों के टोले ऐसे आते हैं, तो बहरहाल ये जैसे पढ़ रहा है वैसे तमाम खवातीन इसके पीछे पढ़ रही हैं, और ये दुरूद शरीफ ही पढ़ रहा है, यानी कि अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी कि यार दुरूद शरीफ, इसमें आप देख लें हम दुरूद पढ़ रहे हैं जी, सलाम पेश कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले इब्राहिम और आप सरकार की आल के ऊपर, ठीक है जी। इसमें ये तो सवाब वाला काम है, अल्लाह ताला की जात भी दुरूद भेजती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अच्छा जी, बात ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ना तो कोई किसी किस्म की इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, ना किसी को हर्ज है इस चीज़ के ऊपर, और इस बिना के ऊपर इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है? देखें, ये जब दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे ना, साथ में ये कुछ कलमात ऐसे पढ़ रहे थे जैसा कि शिया हजरात पढ़ते हैं। ये आप बोल रहे हम इनको मौलाना बोल सकते हैं, जाकर भी बोल सकते हैं, इनकी पिक्चर भी आपको शायद मैं एक आध दिखा चुका हूँ, ये दिखा रहा हूँ मैं, और वीडियो क्लिप भी आप देख चुके हैं। साथ में जो खवातीन है ना, उन्होंने सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, यानी कि वो जैसा कि आपको पता है कि हम ये शिए, हम भी, मैं भी शिया हूँ यार, अगर सीधी बात करूँ तो, सीधी बात से मुराद ये जो भी आले मोहम्मद से प्यार करता है अगर उसको शिया बोलते हैं तो हम भी शिए हैं भाई, फिर तो ठीक है, ये बात है। हाँ, इस टाइप के नहीं है कि भाई पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई भी किसी किस्म की ऐसी हरकत शुरू कर दें जो कि इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ हैं। अच्छा, बात ये है जी कि ये भाई साहब के जो ये इन्होंने कोई किसी किस्म का आप बोल रहे मातम या सीना को भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी सर के ऊपर हाथ रखा है और ये जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ ऐसे कलमात पढ़ रहे थे जिसकी बिना के ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया और बाद में इनको डीपोर्ट किया गया और सऊदी अरबी में दोबारा इंट्री के मुतल्लिक इनको बैन किया गया है। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा भाई कि ये भाई साहब गलत कर रहे थे, नहीं, बिल्कुल ये भी दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे और सऊदी गवर्नमेंट ने इनको पकड़ा, वो भी अपनी जगह के ऊपर राइट थे। क्यों? वो बोल रहे थे कि हरम शरीफ के अंदर कोई भी किसी किस्म की ऐसी हरकत मना है, यानी कि उनकी तरफ से मना की गई हुई है, आप ऐसी कोई भी हरकत, यानी कि सर के ऊपर हाथ रखे ऐसे ऐसे करना या सीना को भी करनी, ये मना है भाई, आप फॉरन कैमरे में रिकॉर्ड होते हैं और आप गिरफ्तार हो जाते हैं। परदेसी भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर करने का सिर्फ मकसद ये था, यार उमरा के लिए जाए ना तो कोई भी किसी किस्म की ऐसी हरकत से बात रखिएगा, आप चाहे मजाक के सूरत में चाहे आप वैसे जज्बाती होकर ऐसा काम करेंगे तो आपको भाई फिर अरेस्ट कर लिया।